स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ सोल्युबलाइजेशन. इट इज़ कवर्ड इन द चैप्टर सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन. नाउ सोल्युबलाइजेशन, व्हाट इज सोल्युबलाइजेशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स. मीन्स सोल्युबलाइजेशन एक हमारा प्रोसेस है जिसमें हम इंक्रीज करते हैं सोल्युबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्व सिस्टम के अंदर. किसके प्रेजेंस में? सरफेस एक्टिव एजेंट्स के प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं हम सोल्युबलाइजेशन. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड इन नॉन पोलर कोर ऑफ माइसल व्हाइल पोलर मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ माइसल. जैसे हमारा माइसल फॉर्म होता है तो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजॉल्व करते हैं नॉन पोलर कोर के अंदर. जो माइसल का कोर होता है उसमें हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होते हैं, और जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं माइसल के सरफेस के ऊपर. ओके, तो इस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं. एम्फीफाइलिक ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे सो दैट देयर पोलर ग्रुप्स इज टुवर्ड्स एक्वासफेस व्हाइल लिपोफिलिक ग्रुप इज इनसाइड द माइसल. मीन्स जो हमारे लिपोफिलिक ग्रुप्स होते हैं वो माइसल के अंदर होते हैं, और जो हमारे एम्फीफाइलिक ग्रुप्स होते हैं वो अरेंज करते हैं इस वे में कि उनके जो पोलर ग्रुप्स हैं वो एक्वासफेस की तरफ होते हैं. ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोल्युबलाइजेशन. नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सोल्युबलाइजेशन. सोल्युबलाइजेशन के प्रोसेस में तीन स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट इज होल्स ओपन इन द सॉल्वेंट. ओके, यू कैन सी इन द डायग्राम. सेकेंड स्टेप, यू कैन सी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड ब्रेक्स अवे फ्रॉम द बल्क. ओके, किस तरह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के वो ब्रेक हो रहे हैं बल्क से. थर्ड स्टेप है द फ्रीड सॉलिड मॉलिक्यूल्स इज इंटीग्रेटेड इन टू द होल इन द सॉल्वेंट. जो हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, जो फ्री सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो सॉल्वेंट के होल्स के अंदर कैसे अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हमारे थ्री स्टेप्स है सोल्युबलाइजेशन के. ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ सोल्युबलाइजेशन वी विल डिस्कस. फर्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ इंटर आयनिक और इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड्स इन द सॉल्यूट एज वी हैव सीन इन द डायग्राम. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द सॉल्यूट. थर्ड स्टेप है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, मीन्स इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है हमारा, जो हमारा सॉल्यूट है उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं. सेकेंड स्टेप में जो हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर द सॉल्यूट. थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन हो रही है. ओके, नाउ एज यू कैन सी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड ब्रेक अवे फ्रॉम द बल्क. देन सेकेंड इज सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. देन थर्ड है फ्री सॉलिड मॉलिक्यूल्स इंटीग्रेट इन टू द होल्स ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सो ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोसेस होता है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट इन द एक्वस मीडियम. सेकेंड टॉपिक इज डिटर्जेंसी. डिटर्जेंसी क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस फिनोमिना इन विच डर्ट और फॉरन मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्फेस विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट्स. मीन्स डिटर्जेंसी में क्या लेते हैं हम, जो हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी डर्ट है फॉरन मटेरियल है जो हमारा जमा हुआ है किसी भी सर्फेस के ऊपर, उसको रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ सर्फेस एक्टिव एजेंट्स, उसको बोलते हैं डिटर्जेंसी. ओके, दे हैव गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज़. अब उसकी वेटिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी होगी तभी तो वो डर्ट को रिमूव करेगा सर्फेस से. दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग एडहेशन फोर्सेज बिटवीन डर्ट एंड सर्फेस एंड डर्ट गेट रिमूव्स. मीन्स जो हमारे डिटर्जेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, जो हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेज है एडहेशन फोर्सेज हैं डर्ट के और सर्फेस के, डर्ट सरफेस के ऊपर चिपकी हुई है तो जो वही इनके एडहेसिव फोर्सेस है ये उसको रिड्यूस कर रहे हैं, और जो हमारी डर्ट है वो सरफेस के ऊपर से रिमूव हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिटर्जेंसी. आफ्टर दिस सर्फेक्टेंट गेट एड्जॉर्ब्ड टू द पार्टिकल सरफेस एंड डेवलप चार्ज वेयर देयर विच प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ ड्रग डर्ट ऑन द सॉलिड सर्फेस. जनरली क्या कर रहे हैं डिटर्जेंट्स क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी डर्ट एड्जॉर्ब हो रखी है किसी भी सरफेस के ऊपर, ये एडहेशन फोर्सेस को रिड्यूस कर रहे हैं डर्ट के और
सरफेस के, ठीक है। एडेशन फोर्सेस रिड्यूस होंगे तो डर्ट इजिली रिमूव हो जाएगी और जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो अपने आप को एड्सॉर्ब कर लेगा सरफेस के ऊपर और अपने आप